नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूं अपनी एक नई वीडियो। और इस नई वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 3 चांद वाली अम्मा के प्रश्नोत्तर। बच्चों, इसका जो पार्ट 1 है वो भी मेरे आप चैनल पर देख सकते हैं। और इस वीडियो को, इसके प्रश्नोत्तरों को देखने से पहले तो आप जरूर एक बार उसको अवश्य देख लें, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। तो आइए बच्चों, लेकर चलता हूं आपको इसके प्रश्नोत्तर पर। तो इसमें पहला प्रश्न जो पूछा गया है, तुम्हारी कल्पना से, इमेजिनेशन से, कि बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी। तो इसका उत्तर क्या है कि बूढ़ी अम्मा ने सोचा होगा कि पता नहीं आसमान उसे कहाँ ले जाएगा। वह समझती थी कि चांद से वह पृथ्वी पर चली जाएगी, वह आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए चांद पर चढ़ गई होगी। तो बच्चों, आप इसके अपनी तरफ से भी प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं, और भी जो आगे मैं प्रश्न अभी इसके पढ़ूंगा उनके उत्तर आपकी कल्पना के अनुसार दूसरे भी हो सकते हैं। तो प्रश्न 2 है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो बच्चों, आपने जैसे पाठ में पढ़ा होगा कि बूढ़ी अम्मा के पास में केवल एक ही झाड़ू थी, इसीलिए वह झाड़ू नहीं छोड़ना चाहती थी। तो प्रश्न 3, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता था। तो बच्चों, आप उसमें चित्र देखेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक में और बताएंगे कि अम्मा के साथ साथ बादल, तितली, आसमान, चिड़िया और झाड़ू रहते थे। वैसे तो उसमें पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि अम्मा अकेली रहती थी, लेकिन अम्मा के साथ साथ ये भी तो उनके साथ रहते ही थे ना। चलिए प्रश्न 4, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था, तुम्हें क्या लगता है। तो बच्चों, इसमें आप अपनी समझ से उत्तर लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कि आसमान बार बार आकर अम्मा को छेड़ने के लिए उसकी कमर से टकराता था। आसमान को शरारत करने में मजा आता था। पहले के समय में आसमान इतना ऊंचा नहीं होता होगा, हमें लगता है कि आसमान के पास ऊपर नीचे जाने की शक्ति थी। तो चलिए बच्चों, आगे देखते हैं इसमें क्या है, रूठना मनाना। तो प्रश्न, जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की, बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। तो बच्चों, क्या क्या कहा होगा, अरे बेटा यह क्या कर रहे हो, आपने पढ़ा था ना अपने पाठ में कि अरे बेटा यह क्या कर रहे हो, और बार घबरा भी रही थी कि बेटा मैं नीचे गिरकर मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। ये बात गिड़गिड़ाकर कही थी, और गुस्से में भी एक बात कही थी ना, तू छोड़ता है या नहीं। तो ये बात गुस्से में कही गई थी, और बेटा मुझ बुढ़िया को ले जाकर क्या करोगे, मुझे छोड़ दो, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तो ये कब कहा होगा, जब उन्हें कोई तरकीब सूझी थी। ठीक है बच्चों, घूरना। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो घूरना प्रश्न है, अम्मा उसे घूरकर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है, जब तुम्हें कोई घूरकर देखता है। तो जैसे मेरा दोस्त मुझे घूरकर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। तो बच्चों, आप इसमें बताएंगे आगे कि आपके पिताजी, आपके शिक्षक, आपके भाई बहन कब कब आपको घूरकर देखते हैं। तो बच्चों, इसमें आप स्वयं से लिखेंगे। अगला इसमें हम देखेंगे, दम लगाकर हईशा। दम लगाकर हईशा, ये एक रस्साकसी का खेल है। रस्साकसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिसमें दो टोलियां खेलती हों। तो बच्चों, जैसे कि दो टोलियां मतलब दो टीम। आप देखते हैं कि किसी भी खेल को खेलने के लिए दो पक्षों की जरूरत होती है, और टीम की जरूरत किन किन खेलों में होती है, तो हम उनका नाम लिख सकते हैं, जैसे कि खो खो है, कबड्डी है, शतरंज है, क्रिकेट है, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो इन सभी में खूब खींचातानी हो सकती है। अब बच्चों, हम बात करते हैं इसमें साफ सफाई की। ठीक है, तो इसमें अगला हमारा प्रश्न क्या है, घर की सफाई करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, आप इसमें लिखेंगे अपने आप से कि क्या क्या चीजें आप अपने घर में देखते हैं जब सफाई करती हैं आपकी मम्मी, आपकी बहन, आपके पापा या आपके भाई, है ना। तो झाड़ू हो गया, पोंछा, फिनाइल, ब्रश, और भी वाइपर भी आप लिख सकते हैं इसमें, है ना। और प्रश्न 2 है, किन किन मौकों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है। तो बच्चों, यहाँ पर जो भी आप त्योहार मनाते हो, या जब कभी भी आपके घर पर आपको ऐसा लगता है कि खूब सामान हटाकर जोर शोर से सफाई होती है, तो वो आप अवसरों का इनाम यहाँ पर लिखेंगे।
अच्छा, अब अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि ये मौके खास क्यों होते हैं। ठीक है, अब इसमें है कि जैसे दीपावली सबसे बड़ा त्योहार है जो साल में एक बार आता है, आपका जन्मदिन भी इस वर्ष में एक बार होता है, और घर में पार्टी का आयोजन होता है, और विवाह तो प्राय जीवन में एक बार ही होता है, इसलिए घर की सफाई की जाती है। इन मौकों पर मेहमान भी आते हैं, और नवरात्रों पर प्राय घर में देवी माँ का आगमन होता है। इस उपलक्ष्य में कीर्तन का आयोजन भी किया जाता है। मेहमानों के सामने घर साफ सुथरा होना चाहिए, और वैसे भी हमें अपने आसपास में सफाई रखनी चाहिए। तो सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना। तो बच्चों, ये आप अपने आप सोचेंगे और लिखेंगे कि सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द क्या क्या हो सकते हैं। एक शब्द आपको दिया गया है, बाकी के लिए आपको हिंट यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन आप अपने आप से स्वयं सोचकर लिखेंगे। काम कौन करता है? बच्चों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में यह काम कौन कौन करता है। तो बच्चों, आप इसमें देखेंगे कि बूढ़ी अम्मा के काम कौन कौन करता था, और मेरे घर में कौन कौन करता है, यानी कि मैं यहाँ पर आपको अपने आपके घर के काम बताऊंगा, जैसे पानी भरना, सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, बाजार से सामान लाना। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे, इसमें आप बताएंगे कि पानी, आपके घर में पानी कौन भरता है, सफाई कौन करता है, कपड़े कौन धोता है, और खाना कौन बनाता है। तो बच्चों, आप ये लिखेंगे इसमें। अगला प्रश्न है, तुम कौन कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताओ। ठीक है बच्चों, तो अब आप लिखेंगे इसमें दो, आप सूची बना लेंगे, सूची में आप दो तरह के काम लिखेंगे कि घर के काम कौन कौन से करते हैं आप, और घर से बाहर के काम कौन कौन से करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखो। तो नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द, बच्चों नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द, इन दोनों के लिए ही मैं आपके आपके लिए एक अलग से वीडियो जरूर डालूंगा, उसको आप जरूर देखेगा। नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा शब्द। और काम वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया शब्द। तो बच्चों, ये संज्ञा और क्रिया के लिए मैं आपके लिए एक जल्दी ही नई वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए मैं डालूंगा, तो आप जरूर देखिएगा। तो अभी यहाँ पर आप नाम वाले कुछ शब्द, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी वस्तु का, किसी भी भाव का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आप अपने घर पर भी देख सकते हैं, जो भी आपके आसपास में वस्तु हो या कोई भी दिखे उसका नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। काम वाले शब्द, आप बैठते हैं, बैठना भी एक काम है, सांस लेना एक काम है, आंख बंद करना, आंख खोलना, और हाथ हिलाना, उठना बैठना, आना जाना, सोना उठना, खाना खाना बनाना, खाना खाना, ये सभी काम वाले शब्द हैं। ठीक है, तो अब आप आगे क्या करेंगे, अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे, आसमान की शरारत तो कुछ ही नहीं, मैंने तो एक बार, तो बच्चों यहाँ पर आपने जो भी शरारत की हो तो आप उस शरारत को अवश्य लिखेंगे। जैसे कि आप अपने कक्षा में कोई शरारत आपने की हो, या आपने अपने घर में कोई शरारत की हो, आपने अपने पड़ोस में कोई शरारत की हो, तो आप उस शरारत के बारे में अवश्य लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ कि तुम्हें चांद में क्या दिखाई देता है, बनाओ। तो बच्चों, आपको चांद में क्या दिखाई देता है, आप उसको अवश्य बनाएंगे। जैसे कि आपके मम्मी पापा बताते हैं, बोलते हैं कि चांद में क्या दिखता है, चांद को हम क्या बोलते हैं? चंदा मामा। तो आप जो भी आपको उसमें दिखाई देता है आप उसको अवश्य बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ इसमें प्रश्नोत्तर आपके जो है यहाँ पर समाप्त होते हैं। ठीक है, तो लेकिन अब आपको इसमें क्या करना है कि आपको पूरे पाठ में दिए गए नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द दोनों ही छांटने हैं, और कम से कम 10 नाम वाले और 10 काम वाले शब्द अवश्य लिखने हैं। तो चलो बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।